3N पे वक्त हो चुका है तेज रफ्तार की खबरों का। आइए आपको बताते हैं देश दुनिया का हाल खबर नॉनस्टॉप में। सड़क दुर्घटना में जिला पार्षद और RJD नेता विजेंद्र यादव की हुई मौत। मिली जानकारी के अनुसार विजेंद्र यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव से मिलने रांची आ रहे थे। इसी दौरान बरही थाना क्षेत्र के बरसोत में कार दुर्घटनाग्रस्त होने से विजेंद्र यादव की मौत हो गई, जबकि कार में सवार दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्नाव के भाजपा सांसद साक्षी महाराज को किया गया क्वारंटाइन से मुक्त। शनिवार को गिरिडीह जिला प्रशासन ने साक्षी महाराज को जबरदस्ती किया था क्वारंटाइन। रविवार को प्रशासन ने साक्षी महाराज को क्वारंटाइन मुक्त करते हुए गिरिडीह से बाहर जाने की अनुमति प्रदान कर दी। साक्षी महाराज रविवार 8 बजे धनबाद रेलवे स्टेशन से राजधानी एक्सप्रेस पकड़कर दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद के मऊ दरवाजा क्षेत्र में निकाला गया ताजिया। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भी निकाला गया ताजिया। मऊ दरवाजा क्षेत्र के टाउन हॉल और करबला रोड निकाला गया ताजिया। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में नेशनल हाईवे को लेकर आ रही भूमि अधिग्रहण में समस्याओं को लेकर अहम बैठक। जनपद के जिला सभागार में राज्य मंत्री संजीव बालियान, मंत्री कपिल देव, विधायक उमेश मलिक ने सुनी किसानों की विभिन्न समस्याओं का समाधान कराने का दिया आश्वासन। मंत्री संजीव बालियान ने कहा जल्द शुरू होगा नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य। मुजफ्फरनगर की रहने वाली शीर्ष महिला दिव्या ने जीता अर्जुन पुरस्कार। जीत के बाद दिव्या काकरान ने अपने पिता सूरज वीर पहलवान को दिया जीत का श्रेय। दिल्ली के राजकुमार गोस्वामी के अखाड़े में सीखी थी कुश्ती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो पहलवानी थी ये कहाँ से आई? आप भी करते थे? हाँ जी, पहले तो मैं वो खरीदी, वो बहुत खरीदी, तो फिर मैं सूरज वीर पहलवान को करवाई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। महज एक हफ्ते के भीतर किया वेश कीमती चोरी की मूर्ति बरामद। प्रदेश के बलरामपुर जनपद के थाना क्षेत्र सादुल्ला नगर के श्री जानकी मंदिर से हुई थी मूर्ति की चोरी। उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। दिल्ली में पकड़े गए आतंकी मुस्तकीम के संबंध में लापरवाही बरतने के मामले में किया गया निलंबन। मुस्तकीम ने पुलिस ने पूछताछ के क्रम में कबूला था बम विस्फोट के परीक्षण की बात। दिल्ली में पकड़े गए आतंकी अबू यूसुफ और मुस्तकीम, जो कि बलरामपुर के थाना उतरौला क्षेत्र का रहने वाला है, के संबंध में आज पुलिस अधीक्षक बलरामपुर महोदय द्वारा स्थानीय अधिसूचना संकलन में घोर लापरवाही बरतने के परिप्रेक्ष्य में 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। राजस्थान के मोदरान ने मंडवला गांव में रसोई गैस सिलेंडर फटने से लगी आग। गैस के रिसाव से आपस के इलाके में फैली आग। इलाके के लोगों ने एकजुटता का परिचय देते हुए आग पर काबू पाने में हुए सफल। राजस्थान के मोदरान में धानसा गांव में किया गया गणपति का विसर्जन। KD ग्रुप के युवाओं ने धूमधाम से किया विसर्जन। प्रतिमा के स्थापना के साथ रोजाना किया जाता है सुबह शाम आरती। बिहार के बगहा में रहने वाले डॉक्टर SP अग्रवाल पटना से कोरोना का इलाज करवाने के बाद लौटे बगहा। वापस लौटने के बाद फूलमाला के साथ हुआ भव्य स्वागत। कहा एक बार फिर हुई परिवार में आगमन। बिहार के पूर्वी चंपारण में शुरू हुई सड़क शिलान्यास पर राजनीति। तुरकोलिया विधायक द्वारा किया गया सड़क का शिलान्यास। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनाई है सड़क। ये सड़क
श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अनूपगढ़ में ठगी कर भागा आहारा ट्रेडर्स का ठग गुजरात में हुआ गिरफ्तार। एसआई मोटाराम पिछले 8 माह से कर रहे थे आरोपी की तलाश। एसआई मोटाराम कांस्टेबल सतनाम व संदीप लेकर आए आरोपी को अनूपगढ़। आरोपी ने गुजरात से खोल रखी है कमली ट्रेडर्स के नाम से दुकान। खबर नॉनस्टॉप में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए 3N न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।